अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। तो फिलहाल मैं रेडी हो चुका हूँ, चाय वाय मैंने पी ली। तो आप देखते हैं आज क्या रहेगा दिन भर का प्रोसेस। सबसे पहले जो मुझे आज काम करना है, मुझे अपने बालों का हेयर स्टाइल चेंज करवाना है, थोड़ा बाल काटेंगे। मैंने कमेंट भी पढ़े, आधे लोग बोल रहे जो आपके बाल लंबे तो ठीक नहीं लगते, तो आज बाल थोड़े काटेंगे, फिर देखते हैं और नया हेयर स्टाइल रखेंगे। तो मैं बिल्कुल रेडी हूँ निकलने के लिए। तो बहुत सारे लोग फिर कमेंट करते हैं, बोलते हैं यावर भाई आप हेलमेट नहीं पहनते हो। तो आज से मैं जब भी बाहर जाऊँगा हेलमेट ज़रूर पहनूँगा। तो अभी निकलते हैं, कटाई करते हैं, उसके बाद देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और दोस्तों बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं यावर भाई हेलमेट में कैमरा फिक्स करो। तो इंशाल्लाहिर्रहमान बहुत जल्दी मैं GoPro लाने वाला हूँ, फिर वो हेलमेट में फ़िक्स करेंगे, तो उसके बाद मोटो व्लॉगिंग बहुत ही अच्छे से होगी इंशाल्लाह। थोड़ा सा वेट कीजिए, बस 100 के पास हो जाए उसके बाद GoPro लाएंगे, फिर अच्छे से मोटो व्लॉगिंग करेंगे। ओ शिट, सैलून तो बंद है आज, मैं भूल गया था यार, आज ट्यूसडे के दिन सैलून बंद रहते। तो मैंने इसको कॉल किया, बोला कि आप कहाँ हो, मैं सैलून के बाहर खड़ा हूँ। तो इसने मुझे बोला 1 बजे के बाद हम सैलून खोलेंगे, लेकिन उतना टाइम मेरे पास नहीं है। अभी हम आगे जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे, अगर कोई सैलून वाला होगा तो वहीं पे कटिंग करेंगे, अदरवाइज़ देखते फिर क्या करेंगे। फिलहाल आपको इलाज में बने रहना। पहुँचा मैं भरथना जो कि कमरवारी में, यहाँ पर एक सैलून खुला है, तो यही अंदर जाते यही प्याज कटिंग करेंगे। गुट्टी निकाल, मैं बस हमें गुट्टी निकाल। छोटे बालों को आदत मत है, इसलिए मुझे लग रहा है कि मुझे गंजा हो गया। फाइनली हमारी कटिंग हो गई, आज मैंने बहुत ही छोटे बाल कर लिए, लेकिन बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। और ये हमारे छोटे से फैन, आपका नाम क्या है? उबैद। हमारे साथ क्या खेलना है? कस्टम खेलना है। बाकर 7-0 है। नूब, कहाँ रहते हो? बर्थना। लेवल क्या है? 68 मैशे हाथ लेवल। तो चलो इसके साथ कस्टम ज़रूर खेलेंगे, फिलहाल अब घर निकलते हैं। तो फाइनली मेरी कटिंग होगी कंप्लीट, अब कैसा लग रहा हूँ कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि मुझे गंजा हो गया। तो अभी मुझे जाना है नवाब कदल, वहाँ पे मुझे कुछ ट्राउज़र लाने खुद के लिए, वो लाते हैं उसके बाद घर निकलते हैं। पहुँच गया मैं नवाब कदल, इसी के पास मैंने पिछली बार भी कपड़े लाए थे, तो यहीं पर मैं ट्राउज़र लाऊँगा। फिलहाल ये वाला ट्राउज़र मुझे बहुत ही पसंद आया, ये मैंने चूज़ कर लिया है। अभी देखते हैं और भी मत है इसके पास कोई अच्छा वाला। दूसरा वाला ट्राउज़र मैंने ये वाला यू, ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो हो गए मेरे ट्राउज़र 2 कंप्लीट। तो ट्राउज़र 2 भी मैंने लाए, अब एक इसमें एक मैंने पहन के रखा, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो अभी घर निकलते हैं, भूख भी लगी। तो घर में पहुँच गया, सुबह निकला हूँ मैं। अभी पता है टाइम क्या है, अभी बज गए 2:30। तो 2:30 बजे मैं घर पहुँचा, बालों की हालत देखी कैसी होगी। तो अभी मैं अंदर जाता हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या होगा आगे। अभी मुझे जाना है फिर से खुशबाग, ये जो मेरा एक्सटेंशन है इसको क्या करेंगे हम, इसको यहाँ से हम काटेंगे, फिर यहाँ से वायर जोड़ेंगे, मतलब 2-3 मीटर और वायर जोड़ेंगे, क्योंकि ये मेरे बेड तक नहीं पहुँचता है, फिर मैं फ़ोन चार्ज नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मुझे फ़ोन ऐसे चार्ज करना पड़ता है तो मुझे इसी के पास बैठना पड़ता है। तो इसको जब वायर जोड़ेंगे हम 2-3 मीटर, फिर ये हमारे बेड तक पहुंच सकते हैं, फिर मैं अच्छे से फ़ोन चार्ज करूंगा। तो एक्सटेंशन का काम हो गया कंप्लीट, यहाँ पर हमने इसको वायर लगवा दी। तो यहाँ से हम घर निकल रहे हैं, मुझे मम्मा का कॉल आया, उसने बोला कोई आपका वेट कर रहा है, कोई फ़ैन आपको ढूँढ रहा है। तो चलो अब निकलते हैं जल्द से और देखते हैं कौन है वहाँ पर, कौन वेट कर रहा है। घर हम पहुंच गए, यहाँ पे हमें मिले दोस्त भाई। कहाँ रहते हो आप? बांडीपुरा में। तो ये बांडीपुरा में रहते हैं, तो ये मुझसे मिलने आए। भाई कैसे लगते हैं वीडियोस? बहुत अच्छे माशाल्लाह, आप दिखने में भी बहुत सुंदर हो। तो चलो ये है भाई, इनको हम चाय शाय पिलाएंगे, उसके बाद देखेंगे क्या करेंगे। घर में वापस पहुंच गया, और जो अभी भाई मुझसे मिले ये बांडीपुरा के थे। एक्चुअली इनकी गाड़ी का पंचर हुआ था इधर ही पास में, तो इसने ये जगह पहचान ली। एक्चुअली ये मेरे व्लॉग्स देखते हैं, तो फिर इसने बोला यावर भाई मैंने ये जगह पहचान ली, मैंने सोचा यावर भाई आप इधर ही रहते हो। फिर इसने एड्रेस मालूम किया है मेरा, तो फिर इसको पता चला कि मैं इधर ही रहता हूँ। फिर मेरी मामा इसको मिली थी, तो उसने मुझे कॉल किया कि आपसे मिलना चाहता है, तो फिर मैं इसे मिला। तो बहुत ही अच्छे लोग हैं बांडीपुरा के, बहुत ही मतलब सपोर्टिव लोग हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है जब मिलने आते हैं। तो लव यू, ऐसे सपोर्ट करते हैं। बॉलिंग का क्या चेक मोल उसने क्यों बेटस? तो यहाँ पे बॉलर
दौड़ना शुरू किया अंपायर को क्रॉस करते हुए ये गेंद और इस बॉल को और LPW प्लम आउट है। जो लड़का है ना दुनिया का सबसे बदकिस्मत लड़का है क्योंकि इसने ड्रीम 11 पे टीम लगाई थी, इसकी रैंक 1 आ गई, ओवरऑल कश्मीर में इसकी रैंक 1 आ गई, लेकिन इसने क्या किया था वो आप खुद सुनिए। से क्यों कहता था तो इसने ड्रीम 11 पे मैच किनको था उस दिन पाकिस्तान था अफगानिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो इसने टीम पकड़ी थी रैंक 1 आई उसको मैंने अपनी आंखों से देखा कसम से, लेकिन इसने उसमें इसने पैसे नहीं लगवाए, फ्री कॉन्टेस्ट किया था। तो इसको सब कमेंट में लिख दो दुनिया का सबसे बड़ा पनौती। देखिए बुमराह आ रहे है, नहीं बुमराह का फैन नहीं है, मोहम्मद आमिर का फैन है ये। ऐसे वन गली क्रिकेट ओहो पहले ही गेम लिया गई सीन बॉलिंग आयो अब यावर भाई की बैटिंग आई है, उसको मैंने अपनी जगह दी, उसने माना ये तो गिंद गुटी हुई बैटिंग आज दमो भी गिंद शॉट है चैत्र शबाश अच्छा इधर बोलो इनको चैनल सब्सक्राइब करो, नहीं बोलो ना आप फिर मैं चॉकलेट दूंगा, बोलो चैनल को सब्सक्राइब करो, बोलो ना आप बोलो, अच्छा पहले आप बोलो, बोलो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आप भी बोलो, आप इसको सिखाओ पीयू कैसे बोलना है, सब्सक्राइब करो चैनल को और लाइक करो, फिर मैं फ्री फायर में आपके साथ कस्टम खेलूंगा, बोलो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब अच्छा बोलो यावर भाई को सब्सक्राइब करो तो यहाँ पे गली क्रिकेट चल रहा है और मेरे साथ है यहाँ पे दो क्यूट बच्चे, एक तो है अलीम और है पीहू बालियारो, आज नानियाल गया है खेलने, तो नानियाल मैं बोल रहा हूँ खेलने वो गया है दावत पे, कहाँ गया पपी करो मुझे आप करो, चलो ठीक है आज बहुत मजा आ रहा है गली क्रिकेट में। रूल पाया मैं घर आया ये अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, ओहो मैनर्स सीखे, तो मैं घर आया यहाँ पे बाल यारो आया है, इसने भी कटिंग छोटी की है, ओहो माशाल्लाह, मुझे बोल तू कहाँ था, ओ निन्नीहाल के निन्नीहाल बोल के नहीं जा सकते, तो फाइनली बाल यारो घर आ गया है, मैं भी इसको बहुत मिस कर रहा था,
तो आज व्लॉग आप खुद एंड करो। तो गाइस अगर आपको व्लॉग पसंद आया होगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और चैनल पे नया तो सब्सक्राइब जरूर करना, और 100K जल्दी कर दो, 91K हो गए हैं, जल्दी कर दो 100K। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। ओए होए, ओए बड़े समझदार हो गए हो बेटे। तो ये आज बाल यारों की एंडिंग थी, तो आप मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।